अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, क्या हाल है आपके। मैं उम्मीद करता हूँ हमारे तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, चलते हैं आज के रिश्ते की तरफ। इससे पहले हमारी छोटी सी गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकॉन को भी दबा दिया करें, ताकि हमारी आने वाली हर नई से नई वीडियो का नोटिफिकेशन आसानी से आप तक पहुँच जाए और हमारा साथ यूं ही बना रहे। तो दोस्तों, ये जो खातून है जिनका रिश्ता मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, इनका नाम है साजदा बीबी और इनकी उम्र इस वक्त जो है वो 48 साल है, 48 ईयर्स। साजदा बीबी 48 साल उम्र है, मुसलमान है, फिरका जो है इनका वो सुन्नी है और इनकी जो कास्ट है यानी कि जात बरादरी जो है ये जट बरादरी से ताल्लुक़ रखती हैं। तो ये एक बेवा खातून हैं, शोहर का इंतकाल हो चुका है, तो दो बेटियां हैं, दोनों की शादी कर चुकी हैं, अभी जो है बिल्कुल अकेली हैं। तो इसके अलावा जो है शोहर का इंतकाल हुए जो है काफ़ी अर्सा हो गया है, तो बेटियों की भी शादी कर चुकी हैं, तो इसलिए ये चाहती हैं कि खुद भी दोबारा से शादी कर लें। तो इनकी हाइट 5 फुट 3 इंच है, इतनी ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, अंडर मैट्रिक हैं। तो अच्छे खानदान से हैं, अच्छी फैमिली से हैं। तो ये इस वक्त जो है ये गुजरात सिटी में रहती हैं, अपना जाती इनका घर है वहाँ पर। तो शादी के बाद अगर कोई भी मर्द जो है चाहे तो उनके जो है उनके साथ ये कहीं भी जो है पाकिस्तान के किसी भी शहर में जाकर रहने को भी तैयार हैं। तो साजदा बीबी जो हैं ये अच्छे ख़ानदान से हैं, इनकी जो डिमांड है जो है मर्द के अबाउट वो मैं आपको बता देता हूँ कि मर्द जो हो उसकी उम्र जो है वो 50 या 55 साल तक भी हो तो वो राबता कर सकता है शादी के लिए, पहली या दूसरी या तीसरी भी। पाकिस्तानी हो, इसके अलावा मुसलमान हो, जात बरादरी कोई भी हो, पाकिस्तान के किसी भी शहर में रहता हो तो वो इनसे राबता कर सकता है शादी के लिए। तो वो हमारे दोस्त मर्द हजरात जो इनसे राबता करना चाहते हैं वो बड़ी मेहरबानी अपनी तमाम तर तफसीलात के साथ अपना व्हाट्सएप का नंबर वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दें। कोशिश किया करें कि अपना जो है व्हाट्सएप का नंबर, अपने शहर का नाम और अपनी उम्र, ये तीन चीज़ें लाजमी लिखें। हम इंशाल्लाह बहुत जल्द आपसे रब्ता कर लेंगे। अगर आपके नसीब में हुआ तो ये रिश्ता ज़रूर आप लोगों के लिए खुशियाँ लेकर आएगा। इसी के साथ हमें इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।